ग्रेटर नोएडा की दादरी कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात अनिल दुजाना और रणदीप भाटी गैंग के लिए काम करने वाले शार्प शूटर को एनकाउंटर में गोली मारकर पस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि शार्प शूटर अनुज चौधरी पर पुलिस ने 75,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। बदमाश अनुज के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक कार्बाइन, तमंचा और कारतूस के साथ कार भी बरामद की है। आज दादरी पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक बहुत ही शातिर अपराधी, जो कि अनिल दुजाना और रणदीप गैंग का ये बहुत ही शातिर शूटर है और कई मामलों में ये वांछित चल रहा है, दादरी से गैंगस्टर में, सूरजपुर से हत्या में, कासना में हत्या के प्रयास में, इसी प्रकार गाजियाबाद से, हापुड़ से, कई जनपदों से वांछित चल रहा था। इस पे जनपद गौतम बुद्ध नगर से भी 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और गाजियाबाद से जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि 25,000 रुपये का इनाम घोषित हुआ है। ये इसका नाम अनुज चौधरी है। ये मुखबिर की ये सूचना थी कि आज ये अपनी कार से इस रास्ते से जाएगा, यहाँ पे घेराबंदी की गई। जब घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में, काउंटर एक्सचेंज में, पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिससे इसके पैर में गोली लगी है। इसको अस्पताल भेजा गया है। अभी जो इसकी मौके पर पिस्टल बरामद हुई है, एक कार्बाइन बरामद हुई है, फोरेंसिक की टीम आ रही है, अभी हम लोग पूरी कार की छानबीन करेंगे। बहुत ही शातिर अपराधी है ये, दादरी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है।